अच्छा, एक चीज़ इसमें ये ऐड करते हैं कि आपने पहले बात कर रहे थे रश्क और हसद लोगों को नहीं पता लगता। मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि वाकईतन लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि हम किसी से हसद कर रहे हैं या रश्क कर रहे हैं, तो उसमें डिफ्रेंशिएट मुझे किस तरह पता चलेगा कि मैं इस इंसान से रश्क कर रहा हूँ या हसद कर रहा हूँ? रश तो बड़ी पॉजिटिव चीज है। जी जब हम एक आदमी को देखते हैं, मैं आपको देखता हूं, कहता हूं वाह क्या काबिल बच्चा है, कितना डिसेंट बच्चा है, तो सर, मैं ऐसा हो जाऊं, ये रश्क है। ये रहिए ठीक। लेकिन आपके अच्छे होने और आपके काबिल होने की वजह से मैं आपके खिलाफ हो जाऊं और आपको नेगेट करने की कोशिश करूं, आपको मुलायम करने की कोशिश करूं, वो हसद है। सही। बड़ी सिंपल चीज है। हसद से बचा किस तरह जा सकता है? मैंने अर्ज किया कि इसको बचने के लिए तो जरूरी यह है कि आपकी बचपन से ही एक तरबियत हो, पॉइंट, यस, क्योंकि हम एक जगह धोखा खाते हैं, सही। वो धोखा ही खाते हैं कि बच्चा दुनिया में पहला सांस उसने लिया, पहले सांस के साथ ही रजिस्टर करना शुरू कर देता है चीजों को जो उसके इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं, उनको वो रजिस्टर कर रहा है सही। या दूसरे लोगों में कहिए वो सीख रहा है उसी से, अगर जो उसकी उम्र जो है अभी आधा मिनट भी नहीं है, लेकिन वो रजिस्टर कर रहा है चीजें, उससे सीख रहा है, ठीक। उसकी पर्सनालिटी की बिल्डिंग हो रही है, बिल्कुल। पर्सनालिटी उसकी बिल्ड बन रही है, फाउंडेशन ले हो रही है उसकी। माँ बाप केयरफुल नहीं है कि ये बच्चे की उम्र तो अभी 1 मिनट है, 1 घंटा, 1 दिन है, वो लापरवाही अख्तियार किए हुए हैं अपने ताल्लुकात में, अपनी गुफ्तगू में, अपने कमेंट्स में, सही। वो सीख रहा है, उसकी पर्सनालिटी बिल्डअप हो रही है। बच्चा बड़ा हो गया, हम उसकी मौजूदगी ही में लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, और एक आदमी अगर अल्लाह ने उस पर रहमत की है, रिस्क वसी दे दिया उसे, हम बच्चे की मौजूदगी ही में उस पर कमेंट कर रहे हैं, यस। तो बच्चा यूं यही सब कुछ सीखता चला जा रहा। तो इसकी जड़ें जो हैं वो आपके बचपन में मिलेंगी, या आप बचपन में क्या देखते रहे तो सही। वही कुछ आप उस तरह बिहेव करेंगे। एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, यस। कि जहां बच्चा इतना समझदार हो गया, जो ही वो बड़ा हुआ उसको कुछ अकल आई, तो उसने सोचा कि ये तो जहां मैं जाके बैठता हूं उनमें से कोई आदमी भी बैक बाइट ही नहीं करता, किसी की किसी पर नहीं कर रहा। कमेंट नहीं करता, वारंटेड और अनवारंटेड। यस। तो यार मैं अगर ऐसे काम करूंगा तो इनके दरमियान मैं नहीं बैठ सकूंगा, बिल्कुल सही। एक्सेप्टेबल नहीं हूंगा मैं, यस। तो अपने आप को चेंज करता है। सही लेकिन वो कम परसेंटेज है, बड़ी कम है। जी। ठीक। तो अगर हम बच्चे को अपने पॉजिटिव ट्रेट्स देना चाहते हैं, पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम उसके सामने बहुत मोहतात रहें बिल्कुल सही। और हम उसके सामने वो कुछ बन के रहें जो हम उसे बनाना चाहते हैं। वाह, सही।